नमस्कार दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज चौथे टेस्ट के चौथे दिन के पहले सेशन में खेलते हुए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने कुछ रन जोड़े और लग रहा था कि दोनों स्कोर को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फिर जडेजा 17 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उन्हें क्रिस वोक्स ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे की खराब फॉर्म इस बार भी जारी रही और वह बिना खाता खोले वोक्स का शिकार बन गए। हालांकि विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे और अर्धशतक की तरह बढ़ रहे थे, लेकिन फिर वह भी 44 रन के स्कोर पर मोइन अली का शिकार बन गए। इस समय भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 312 रन था। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। अच्छी बात ये थी कि पंत और शार्दुल ने बिना खतरा उठाए अच्छी साझेदारी की। दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार रन बटोर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर के बीच 7वें विकेट के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। दोनों ने 80 गेंदों में ही 50 रन की पार्टनरशिप की, जिसने भारतीय टीम की मैच में वापसी करा दी। दोनों ने लंच के बाद तेजी से रन बनाए। ठाकुर और पंत दोनों इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब धो रहे थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद शार्दुल ने एक और जबरदस्त अर्धशतक जड़ा। भारतीय ऑलराउंडर ने मैच में दूसरी बार अर्धशतक जड़ा है। शार्दुल ने 65 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से ये अर्धशतक जमाया। हालांकि फिर शार्दुल ठाकुर अर्धशतक जड़कर आउट हो गए। ठाकुर को जो रूट ने स्लिप में कैच आउट कर चलता किया। दोस्तों, इसके बाद पंत ने अर्धशतक पूरा करने के बाद आक्रामक शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो भी आउट हो गए। दोस्तों, सेट बल्लेबाज के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब जल्द ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर भारतीय टैलेंटर्स ने बल्ले से अपना कमाल दिखाया। उमेश यादव ने आते ही अपने इरादे जता दिए कि वह सिर्फ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। उमेश ने मोइन की ऑफ ब्रेक पर जोर से बल्ला चलाया और डीप मिड विकेट पर छक्का जमा दिया। उमेश के बाद बुमराह ने भी कीमती बाउंड्री बटोरी। रूट की गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर से बुमराह ने स्लॉग स्वीप किया और स्क्वायर लेग पर उन्हें चौका भी मिल गया। दोनों बल्लेबाज सिंगल्स भी ले रहे थे, जो इन बाउंड्रियों के साथ और भी मदद पहुंचा रहे थे। एक बार फिर बुमराह अपने अंदर के बल्लेबाज को पूरी तरह बाहर आने का मौका दे रहे थे और अच्छे शॉट जमा रहे थे। मोइन ने लंबी गेंद रखी, जिसे बुमराह ने पिछले पैर पर बैठकर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया और चौका बटोर लिया। बुमराह और उमेश यादव ने 9वें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। बुमराह को 450 की टीम के स्कोर पर क्रिस वोक्स ने अली के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 38 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। उमेश यादव ने भी कुछ दर्शनीय शॉट खेले। उमेश अंतिम विकेट के तौर पर पवेलियन लौटे, जिन्होंने 23 गेंदों पर 25 रन बनाए। इस तरह भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 466 रन का बड़ा स्कोर बनाया और इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की सदीवी शुरुआत रही। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें आसानी से रन बटोरने नहीं दिए। शुरुआत में बुमराह और उमेश यादव ने आते ही कसी भी गेंदबाजी की। दोनों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से काफी परेशान कर रहे थे। उसके बाद गेंदबाजी करने आए जडेजा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।